हाय फ्रेंड्स, हाय व्यूवर्स। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है जो मैं बनाना चाहता हूँ जाली के ऊपर, परफोरेटेड स्क्रीन के ऊपर। एंड बेसिकली ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम लुमियन में जाली का इफेक्ट कैसे बनाएं, कैसे हम परफोरेटेड स्क्रीन बनाएं, और थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि उसको अचीव कैसे किया जाए। सो बहुत बेसिक स्टेप्स में मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि आप इस इफेक्ट को कितना इजीली अचीव कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है ये, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए बेसिकली आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। फर्स्ट वन इज़ फोटोशॉप एंड सेकंड वन इज़ लुमियन। एंड थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊं कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड अभी हम शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने ये सीन यूज़ किया है जो कि इनबिल्ट सीन है लुमियन का। एग्जाम्पल्स के अंदर आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं, और अगर आप इसमें देखेंगे तो एक बहुत बड़ा विंडो है हमारे यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिख रहा है। उस पर ग्लास लगा हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट है कम्प्लीटली, एंड आप सामने गार्डन व्यू देख पा रहे हैं एक्सटीरियर्स का। अभी हम जो ये ग्लास है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी परफोरेटेड स्क्रीन या जाली के अंदर। तो हम कैसे अचीव करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें थोड़ा होमवर्क फोटोशॉप में करना होगा। उससे पहले मैं आपको जो टेक्सचर हमने जाली का यूज़ करना है वो इस पे लोड करके दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्सचर आप अप्लाई करते हैं या नेट से ढूंढ के आपको पसंद आता है अप्लाई करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे नज़र आएगा आपको, मैं अभी वो शो कर रहा हूँ। और उसको अचीव कैसे करना है, स्क्रीन में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैं लोड कर रहा हूँ जो टेक्सचर, जाली टेक्सचर 01। सो बेसिकली ये टेक्सचर है जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं। ये स्टैंडर्ड मटेरियल के अंदर मैंने डिफ्यूज़ के अंदर इसको लोड किया है इस इमेज को, और वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रिलीफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम ज़ीरो कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी को ज़ीरो कर सकते हैं, ग्लोस को ज़ीरो कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आएगा। सो ये जाली है बेसिकली, और इसमें जो ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है सारा, हम उसको कट आउट बनाना चाहते हैं। बेसिकली हम उसको क्लियर करना चाहते हैं, उसके थ्रू हम बाहर देखना चाहते हैं। जो वुडन पोर्शन है जो आपको दिख रहा है ये सॉलिड रहेगा, और जो ब्लैक वाला है उसको हमने कट करना है ताकि स्क्रीन का इफेक्ट आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस टेक्सचर को फोटोशॉप के अंदर लेके जाना होगा। फोटोशॉप के अंदर हमें थोड़ा सा इसमें कुछ इसकी सेटिंग्स को ट्विक करना होगा, थोड़ा कुछ चेंजेस करने होंगे इसके अल्फ़ा मैप में। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। सो मैंने जाली के लिए ये वाला टेक्सचर चूज़ किया है, इसको यूज़ कर रहे हैं हम, और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे इसके अंदर जो वुडन पोर्शन है वो हमारा जाली का है जो हम दिखाना चाहते हैं, और जो ब्लैक पोर्शन है वो हमारा इनविजिबल रहेगा जिसमें हम कटआउट दिखाना चाहते हैं। तो उस इफ़ेक्ट को कैसे अचीव करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले F7 प्रेस करेंगे जिससे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, लेयर्स का विंडो है वो। आप इसको विंडोज़ में जाके मेन मेन्यू में यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। सो हम इस लेयर को अनलॉक कर लेते हैं, डबल क्लिक करके इसको हम ओके करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। इस पर हम चेंजेस कर सकते हैं। सो बेसिकली एक हमारी जेपेग इमेज है, इसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन डालनी है जो बताए कि कौन सा पोर्शन विजिबल होगा, कौन सा पोर्शन विजिबल नहीं होगा, और वो हमारा होता है चैनल्स के अंदर जाकर। अगर आप इधर देखेंगे लेयर्स में, लेयर्स के जस्ट राइट पे आपको मिलेगा चैनल्स। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो चैनल्स हैं RGB चैनल्स वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक चैनल क्रिएट करना है नया, उसका नाम है ओपेसिटी मैप। उस ओपेसिटी मैप चैनल को आप लाने के लिए यहाँ एक बॉटम पे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही एक अल्फ़ा मैप, यहाँ पर ओपेसिटी मैप या अल्फ़ा मैप आप दोनों बोल सकते हैं इसको, आप इसके यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये अल्फ़ा मैप क्या करता है एक्चुअली? अल्फ़ा मैप एक्चुअली आपकी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि कौन सा पार्ट आपका विजिबल रहेगा, कौन सा पार्ट विजिबल नहीं रहेगा, और वो दो कलर्स को इसके अंदर दो कलर्स की इन्फॉर्मेशन रीड करता है बेसिकली, एक वाइट एंड एक ब्लैक। जो पोर्शन अल्फ़ा मैप के अंदर वाइट रहेगा वो विजिबल रहेगा, जो ब्लैक रहेगा वो इनविजिबल रहेगा। तो अभी ये टोटली ब्लैक अल्फ़ा मैप अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस टेक्सचर को भी यूज़ करते हैं तो हमारी स्क्रीन बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, कोई भी टेक्सचर वहाँ नज़र नहीं आएगा, टोटली इनविजिबल हो जाएगा वो। और अगर हम अपनी स्क्रीन दिखाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन वाइट कलर के अंदर ऐड करनी होगी जो पोर्शन हम विजिबल करना चाहते हैं, राइट। सो अब हम वापस लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स के अंदर हमें जो पोर्शन हम दिखाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है, राइट। सो इस टेक्सचर के अंदर तो थोड़ी वेरिएशंस है, इसको सिलेक्ट करना थोड़ा शायद टफ रहेगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं इजीएस्ट मेथड बता देता हूँ। बेसिकली इस इमेज के अंदर अभी जिसको हमने कटआउट बनाना है, जो हमारा वॉइड रहेगा, जो हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसको सिलेक्ट करना बहुत ईजी है क्योंकि एक सिंगल कलर है ब्लैक। तो पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन जब उसकी सिलेक्शन बन जाएगी तो हम इन्वर्स सिलेक्शन कर लेंगे ताकि हम दूसरी जो जाली वाला मटेरियल है इसको सिलेक्ट कर पाए, राइट। सो इस पोर्शन को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैक पोर्शन को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, बहुत ईजी है। आप मेन मेन्यू में अगेन जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट का एक ऑप्शन है, सेलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन नीचे ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा कलर रेंज। कलर रेंज पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो को ओपन होने के बाद आपने कलर पिक करना है, कलर ड्रॉपर से आप ब्लैक कलर पिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस ब्लैक कलर को पिक कर लेगा आपकी इस इमेज के अंदर, राइट। अब जैसे ही आपने इसको पिक करा, आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी रख सकते हैं, आप इसके साथ प्ले करके भी देख सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्गली काम करता है, कितना नहीं करता है, वो आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक सिंगल ब्लैक कलर है, एक ही स्ट्रॉन्ग कलर है, देन ये ईजिली सेलेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। आप इसको इनफैक्ट 10-20 तक भी रखेंगे तब भी ईजिली सेलेक्ट कर लेगा इसको, एंड देन आप ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही आपका जो सिलेक्शन है वो ब्लैक पोर्शन पूरा सिलेक्ट हो चुका है। बट हमें ब्लैक पोर्शन सेलेक्ट नहीं करना, हमें सिलेक्ट वो करना है जो हम विजिबल करना चाहते हैं, जो हमारी स्क्रीन है। सो अभी हमें इसको इन्वर्स सिलेक्शन करना है। इन्वर्स सिलेक्शन करने के लिए शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट्स में ना जाकर आपको यहीं पे बताऊंगा। आप मेन मेन्यू में जाएंगे, अगेन सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन है इन्वर्स। Shift+Ctrl+I प्रेस करेंगे तभी वो ही काम करेगा, और आप इन्वर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी वो काम करेगा। अब आप देखेंगे तो आपका जो स्क्रीन है, जो आप दिखाना चाहते हैं वुडन पोर्शन, वो पूरा सिलेक्टेड है, राइट। अब सिलेक्शन को रखते हुए हम वापस चैनल्स में जाएंगे। चैनल्स में हम जाएंगे अल्फा मैप में। अल्फा मैप में आपको वो सिलेक्शन एग्जैक्टली वहीं दिखेगी। अब हमें इस सिलेक्शन के अंदर वाइट कलर फिल करना है क्योंकि हम उसको दिखाना चाहते हैं उस पोर्शन को, और बाकी ब्लैक रहेगा बिकॉज हम उसको इनविजिबल करना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर वाइट फिल करना है। अगर आप टूल पैनल में आएंगे, इधर आपको दो कलर्स दिख रहे हैं, एक फोरग्राउंड कलर है, एक बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर में आपको वाइट दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर में आपको ब्लैक दिख रहा है। तो अभी हमने फोरग्राउंड कलर जो है वो फिल करना है इसके अंदर। सो इसका भी शॉर्टकट होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट से पहले दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे जा सकते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिल कैसे कर सकते हैं फोरग्राउंड को शॉर्टकट ना यूज़ करते हुए। सो हम एडिट में जाएंगे, मेन मेन्यू में एडिट में आपको मिलेगा फिल। इसको Shift+F5 से भी आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज फिल में आप जाएंगे। फिल में आपको क्या फिल करना है, फोरग्राउंड कलर करना है या बैकग्राउंड करना है? तो अभी आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है, तो आप फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे ओके। आपका अल्फा मैप रेडी हो चुका है। इस अल्फा मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी वाइट की इंफॉर्मेशन भी है और ब्लैक भी है, वाइट जो दिखेगा, ब्लैक जो नहीं दिखेगा। अब आपने कुछ इसमें फैंसी नहीं करना है। यू आर डन विद दिस फोटोशॉप एंड नाउ इट्स टाइम टू सेव दिस इमेज। अभी हम इस इमेज को सेव करेंगे। सबसे ज़रूरी है इसका फॉर्मेट जिसके अंदर आप इस इमेज को अब सेव करेंगे। हमने इसको सेव करना है टिफ फॉर्मेट के अंदर। टिफ फॉर्मेट को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि टिफ फॉर्मेट में अगर आप सेव करते हैं तो आपकी जो अल्फा मैप की इन्फॉर्मेशन है ब्लैक एंड वाइट वाली, ये उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और लुमियन के अंदर बताता है कि कौन से पोर्शन को आपने ट्रांसपेरेंट करना है, कौन से को नहीं करना है। तो टिफ फॉर्मेट को हम सेव करेंगे, सेव का प्रेस बटन दबाएंगे, एंड देन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इसको हम ऐसे रहने देंगे, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एंड हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हम वापस लूमियन में जाएंगे। लूमियन में हमारा ये टेक्सचर था जो मैंने पहले जेपेक लगाया था आपको। अब हम इस मटेरियल को मटेरियल से चूज़ करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो डिफ्यूज़ में हमने जो जाली का टेक्सचर लगाया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और अब हम जेपेक को चूज ना करते हुए टिफ फॉर्मेट का जो हमने अभी फाइल क्रिएट करा है फोटोशॉप से, उस पर क्लिक करेंगे, उसको करेंगे ओपन। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे इमीडिएटली आपको दिखेगा कि आपका जो कटआउट्स हैं ऑलरेडी बन चुके हैं, आपकी स्क्रीन प्रॉपर आपको नजर आएगी। जो वाइट पोर्शन था हमारा वुडन वाला वो आपको नजर आएगा, जो ब्लैक पोर्शन था वो इनविजिबल हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हम जस्ट इस मटेरियल को सेव करेंगे एंड देन हम इस इमेज को रेंडर करके देखेंगे। ये इमेज, ये स्क्रीन है एंड हम रेंडर करेंगे इसको। ओके, सो हियर वी गो। हमारा जो रेंडर है इसमें क्लियरली आपको विजिबल होगा कि हम बाहर एक्सटीरियर्स की तरफ देख पा रहे हैं, क्लियरली हमारे कटआउट्स दिख रहे हैं। और हमारा, इनफैक्ट मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको रेंडर को, और आप देखेंगे तो जो सनलाइट है वो इन कट्स के थ्रू अंदर भी आ रही है और आपको वो पैटर्न फ्लोर पे भी नज़र आ रहा है क्लियरली। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, आपको और क्लियरली समझ आएगा कि ये अल्फा मैप काम कैसे करता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। इन केस आपने जो प्रोसेस मैंने बताया अल्फा मैप क्रिएट करने का फोटोशॉप में, उसको पूरा फॉलो किया, प्रॉपर आपने अल्फा मैप बनाया, स्टिल आप उसको लोड करते हैं जब और आपकी स्क्रीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर मटेरियल को चूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से अपनी जो मैंने क्रिएट किया था टेक्सचर, जाली टेक्सचर 1 टिफ को लोड कर रहा हूँ, उसको मैंने लोड किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टिल इसके अंदर कोई वर्ड्स क्रिएट नहीं हुए, कोई इनविजिबल पोर्शन क्रिएट नहीं हुआ, ये सिंपली जैसे हमारी जेपेक इमेज थी वैसे ही आपको विजिबल है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सारा प्रोसेस फॉलो किया था। तो एक बहुत सिंपल ट्रिक है इसका, मैं जो आपको बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है उसमें एक बटन है जो आपका चेक नहीं है। सो आपने क्या करना है, एक्चुअली मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको नीचे जाना है एक्सटेंडेड सेटिंग्स के अंदर, वो आप इस बटन के थ्रू उसको एक्सटेंडेड सेटिंग्स को विजिबल कर सकते हैं। एक्सटेंडेड सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको, सेटिंग्स टैब के अंदर, और इसके अंदर बॉटम पे आपको टेक्सचर अल्फा मैप मिलेगा। इस टेक्सचर अल्फा मैप के अंदर 3 बटन्स हैं, 3 बटन्स में जो मिडल वाला है कलर मैप अल्फा क्लिप्स ऑब्जेक्ट, आपको इसको चेक करना है, इसको पिक करना है बेसिकली। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ सेटिंग्स की वजह से, आपकी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ सेटिंग्स में आपकी सेटिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड नहीं होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके अंदर हम दूसरा एक टेक्सचर यूज़ करेंगे और मैं उसको यहाँ लोड कर देता हूँ आपके लिए। सो वो टेक्सचर है वुडन टेक्सचर .jpeg, वुड टेक्सचर .jpeg, इसको लोड कर लेते हैं। तो ये टोटली सॉलिड है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी वॉइड नहीं है, कटआउट्स नहीं है, जिसके थ्रू आप बाहर देख पाएँ एक्सटीरियर को। सो अभी हम इसके अंदर कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे हम अपने पैटर्न्स डाल सकते हैं कटआउट्स के स्क्रीन बनाने के लिए। अभी मैं फोटोशॉप ओपन करूँगा, फोटोशॉप में वुड टेक्सचर को मैं ओपन करूँगा, इस इमेज को। अब ये इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है, इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज पैटर्न्स भी डाल सकते हैं जिनको हम इनविजिबल करना चाहते हैं, और वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ चैनल्स में अगेन हम वापस आएंगे, ये लेयर्स है, लेयर्स को डबल क्लिक करा, ओपन करा, चैनल्स में हम आए। मैंने एक नया चैनल ऐड किया अल्फा के नाम से, अगेन टोटली ब्लैक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ब्लैक एंड वाइट की। सो जो हम पोर्शन दिखाना चाहते हैं एक्चुअली हम उसको क्या रखेंगे और जो नहीं दिखाना चाहते उसको क्या रखेंगे, आपको समझ आ ही गया होगा। अभी मैं इसके अंदर मैं एक्चुअली अल्फा मैप को वाइट ही कर देता हूँ टोटली। तो अल्फा मैप पे क्लिक करके हम एडिट में जाएंगे, फिल और फोरग्राउंड कलर, तो अल्फा मैप वाइट हो चुका है, राइट। अब आप इसके अंदर ब्लैक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे जिसको हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर मैं अभी फॉर द टाइम बिंग अपना नेम ऐड कर देता हूँ और इसका स्केल बड़ा कर देते हैं, सचिन। इसको हम कर देते हैं 100 के अराउंड, ओके। एंड इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ब्लैक कलर। तो ब्लैक हमारा बैकग्राउंड में है, तो इसके अंदर ब्लैक करना है तो हम अगेन एडिट में जाएंगे, फिल एंड विल चूज बैकग्राउंड कलर। ओके सो इसको हम अभी प्लेस कर देते हैं समवेयर इन द सेंटर। ओके ओके सॉरी, सो इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने अल्फा में अपग्रेड कर दिया, वाइट विजिबल है और ब्लैक इनविजिबल है, राइट। सो लेयर्स में जाएंगे और इसको हम सेव कर देते हैं, सेव एज वुड टेक्सचर 02 नेमिंग कर देते हैं इसकी, और टिफ फॉर्मेट के अंदर सेव करेंगे हम। ओके एंड सेव, ये सेव हो गया। यहाँ पर आपको कुछ भी विजिबल नहीं है इस केस में, पहले एग्जाम्पल के अंदर आपको विजिबल था, हमने उससे सिलेक्शन बनाया था, लेकिन इस केस में यहाँ कुछ विजिबल नहीं है, एक नॉर्मल टेक्सचर है। हमने जस्ट चैनल्स में जाकर अल्फा के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डाली है कि कौन सा विजिबल रहेगा कौन सा इनविजिबल रहेगा। सो ये सेव हो चुका है। अब हम वापस जाएंगे लुमियन में, हम चूज करेंगे ये टेक्सचर, डिफ्यूज में जाएंगे और हम इस बार वुड टेक्सचर 02 टिफ फॉर्मेट वाली फाइल को ओपन करेंगे। अब शायद आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम इन होके शायद आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये क्लियरली आप इसके थ्रू देख पा रहे होंगे। मैं इसके स्केल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो इस टेक्सचर के स्केल को। और आप बढ़ा कर देते हैं, एक्चुअली आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आई गेस आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इसमें से हम इसके थ्रू हम देख पा रहे हैं ये हमारा ओपेसिटी, हमारा अल्फा मैप ऑलरेडी सही क्रिएट हुआ था और ये कटआउट बन चुका है, राइट। सो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फा मैप कैसे काम करता है और आप कैसे इजीली अपनी स्क्रीन्स बना सकते हैं लुमियन के अंदर विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी ट्यूटोरियल्स डालता रहूँ आप लोगों के यूज़ के लिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।